महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। इनमें से जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया जा रहा है झूठवाड़ा आरओबी B2 बाईपास अंडरपास और जवाहर सर्किल में सौंदर्यीकरण का काम शामिल है। इन तीनों का उद्घाटन झूठवाड़ा आरओबी से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, यूडीएस मंत्री झावर सिंह खर्रा और सांसद रामचरण बोहरा ने किया है। झूठवाड़ा में आरओबी और B2 बाईपास अंडरपास शुरू होने से लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री के बाद हूं, पहले विद्यानगर से विधायक हूं, यहां की जनता का मुझे मुझ पर एहसान है और ऐसे में इसे चुकाते चुकाते मुझे 5 साल तक का वक्त कम पड़ेगा। आपने सांसद रामचरण बोहरा को अब तक 2 बार रिकॉर्ड वोटों से जिताया है, इस बार हमें अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये इस क्षेत्र में जो बहुत बड़ी ट्रैफिक जाम की समस्या थी उससे लोगों को निजात दिलवाई। इसका आज आरओबी का उद्घाटन हुआ है और बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं। 2 ही महीने हुए हैं लेकिन इन 2 महीनों में कांग्रेस ने जो 5 साल में काम नहीं किए वो काम हमने कर दिए। बहुत 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 खुशी की बात है और बहुत जो हम लोगों को सबको लगा कि ये जनता को राहत देनी चाहिए, वो कैसे देनी चाहिए उसका रास्ता निकाला हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सबको 2% जो कम हुआ है डीजल और पेट्रोल के, तो बहुत बड़ा एक फैसला भी है और सभी पूरी जनता इस फैसले से बहुत खुश है। झोटवाड़ा के जिस राव शेखा सेतु का लोकार्पण हुआ है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इसका शिलान्यास हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आने के बाद वो पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है और आज आम जनता के आवागमन के लिए उसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ के वासिंदों की जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ती गई, यातायात का दबाव बढ़ा, लोगों की लंबे समय से मांग थी, वो मांग आज इस राव शेखा सेतु के लोकार्पण से पूर्ण हुई है और आने वाले समय में भी हम विकास के और नए आयाम स्थापित करते हुए आज जिस प्रकार हमने मेट्रो का फेज 1D का लोकार्पण शिलान्यास किया है और आने वाले समय में हम फिर मेट्रो विस्तार की DPR जो बन रही है, लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के बाद तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हम उसका भी शिलान्यास करवाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रकार हम जयपुर के विकास में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए, सस्ती सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेट्रो का विस्तार करने का जो योजना बन रही है उससे हमारे इसी कार्यकाल में हम शिलान्यास भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे और जयपुर की जनता को सस्ती परिवहन सुविधा।